सब्सक्राइब कीजिए टीच हिंदी विद सूरज चैनल को और बेल आइकन घंटी को दबा दे टीच वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देखें। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ मनी ट्रांसफर कैसे करेंगे विदाउट नेट में। आपने थंबनेल में ही देखा होगा गाइस, बात सच्ची है, झूठ नहीं है। ज़्यादातर 90% आदमी को ये ट्रिक पता नहीं है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे फसल के एंड तक, ना ही किसी ऐप के माध्यम से देखना है, ना ही किसी के वजह से ऑनलाइन पे, ठीक है। बिना नेट खोले कैसे करना है, तो उसके लिए देखिए आपका फोन डायलर में जाना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहला बात, जिस नंबर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, मतलब फोन डायलर से, वो नंबर जो है आपका बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहला मेन पॉइंट है, जिस नंबर से आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं वो नंबर आपका बैंक में लिंक होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप जिस नंबर से करना चाहते हैं उसका बैंक अकाउंट से अगर लिंक होगा, जो बैंक अकाउंट से लिंक होगा उसका नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो वीडियो में बने रहे, दिखाता हूँ मैं अगले प्रोसेस कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं ना ही नेट खोला हूँ, ना ही कुछ किया हूँ, यहाँ पर देखिए फोन डायलर पर गया। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर देखिए *99#, सिर्फ ये आपको डायल करना है उसी नंबर से जो नंबर आपका बैंक अकाउंट में लिंक है, ध्यान रहे। तो जैसे ही डायल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से शो होगा, वेलकम टू *99#, ठीक है। तो आप भी ट्राई करिए, आपका भी ऐसा ही शो करेगा। तो जैसे ही यहाँ पर ओके कर देंगे, देखिए इस तरह से एक पेज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर में लिखा है, तो मेरा जो है स्टेट बैंक से लिंकड है। और यहाँ पर देखिए सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी बहुत सारा है, तो चलिए मैं एक नंबर पर दिखाता हूँ सेंड मनी में, क्योंकि मनी ट्रांसफर करके दिखाना है तो ये वीडियो जो है। तो यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक से ये नंबर मेरा लिंक है, तो आपका भी नंबर जिस बैंक से लिंक होगा उसका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर फीचर्स भी आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर एक नंबर दबा देता हूँ और यहाँ पर देखिए जो सेंड का बटन है यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। तो जैसे सेंड करेंगे थोड़ी देर बाद देखिए इस तरह से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है सेंड मनी टू मोबाइल में यू पी आई डी में कौन सा इनमें भेजना, तो मेरे को 4 नंबर 5 नंबर में भेजना है, IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर, मतलब अकाउंट नंबर भेजना है, IFSC कोड देके। तो यहाँ पर 5 नंबर देकर सिंपली सेंड कर देना है। तो जैसे सेंड कर देंगे यहाँ पर देखिए बोल रहा है एंटर IFSC कोड, ठीक है। तो जिस अकाउंट में भेजना चाहती हूँ उसका IFSC कोड जो है यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर IFSC कोड डाल देता हूँ। और गाइस जिस तरह से आप बैलेंस चेक करते हैं अपना फोन डायलर में जाके, जो कोई भी सिम का हो, ठीक उसी तरह से ये प्रोसेस है गाइस। किसी को बिलीव नहीं होगा लेकिन आप करके देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, सिंपली हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं IFSC कोड डाल रहा हूँ। IFSC कोड डाल के सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए फिर से सेंड है, सेंड पे सेंड कर देना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक कर देंगे फिर से एक पेज आ जाएगा, यहाँ पर लिख रहा है एंटर द कंप्लीट अकाउंट नंबर। तो जिस अकाउंट नंबर पर भेजना चाहती हूँ वो अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। तो गाइस कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी को बिलीव नहीं होगा, बिना नेट में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी झंझट नहीं, आराम से आप कितना भी पैसा भेज सकते हैं, 10 रुपये, 5 रुपया, 200, 1000 आराम से भेज सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया। सिंपली यहाँ पर जो सेंड का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस सेंड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेंड पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ा देर बाद देखिए इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख रहा है एंटर अमाउंट कितना भेजना है, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ डेमो दिखाना है, 10 रुपया मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, 10 रुपया डाल के यहाँ पर सिंपली सेंड कर देना है। तो जैसे ही सेंड कर दूंगा देखिए फिर से एक पेज आ जाएगा, यहाँ पर लिख रहा है एंटर ए रिमार्क। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको वही अकाउंट नंबर फिर से डालना है, ठीक है। चलिए वेरीफाई करता है कि हाँ एक अकाउंट नंबर करेक्ट डाला है या फिर गलत भी डाल सकता है। तो यहाँ पर वही अकाउंट नंबर डाल दीजिए जो थोड़ी देर पहले डाला था, मैं वही यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेम टू सेम यहाँ पर डाल दिया वही अकाउंट नंबर, और फिर से यहाँ पर जो सेंड का बटन है सेंड पे क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। ध्यान रहे वही अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो जैसे सेंड पे क्लिक करेगा थोड़ा देर यहाँ पर वेट करने के लिए, यहाँ पर देखिए लिख रहा है यू आर पेइंग टू, अकाउंट नंबर दिया है, IFSC कोड दिया है, 10 रुपये अमाउंट। अब यहाँ पर जो है UPI ID मांग रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं मेरा UPI ID यहाँ पर डाल देता हूँ, क्योंकि गाइस UPI ID इसलिए मांग रहा है कि अगर आपको ट्रिक पता होगा कि 99# डाल के सब करता है, तो आप तो हर कोई किसी का मोबाइल लेकर कर सकते हैं, इसलिए UPI ID का नंबर जो है यहाँ पर दिया है, जो जिसी का नंबर है उसी को पर्सनल पता रहेगा। तो यहाँ पर UPI ID डाल दिया, अभी सिंपली यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेंड पे क्लिक कर देंगे देखिए थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह से देखिए पेज आ गए, यहाँ पर लिख रहा है योर पेमेंट टू, अकाउंट नंबर दिया है, IFSC कोड दिया है, और यहाँ पर देखिए 10 रुपीज़ सक्सेसफुल लिखा है, ठीक है। अब एक नंबर में सेव कॉन्टैक्ट या एग्जिट, मैं इस कॉन्टैक्ट को सेव भी कर सकता हूँ या फिर एग्जिट करके निकल भी सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है सक्सेस का मैसेज भी आज आ गया, चलिए मैं मैसेज पर जाकर दिखाता हूँ, और पैसा जो है चला भी गया। तो यहाँ पर मैं मैसेज पर जाता हूँ और मैसेज पे जाके यहाँ पर देखिए SBI का एक मैसेज आया है, और सिंपली नीचे में देखिए गाइस डियर SBI योर कस्टमर योर डेबिट इज़ 10 रुपया, देखिए यहाँ पर 10 रुपया जो है मेरा अकाउंट से काट दिया गया और दूसरा अकाउंट में मैंने डाल दिया, ठीक है। तो उसमें मैसेज नहीं आया, उसमें मैसेज आता नहीं, आता है थोड़ा लेट में, तो बाद में वो मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली हो गया। तो गाइस इसी तरह से आप अपना अकाउंट से किसी का भी बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, किसी भी UPI ID एड्रेस में भेज सकते हैं, चाहे पेटीएम में हो, किसी में भी हो, UPI एड्रेस में भेज सकते हैं और अकाउंट नंबर में भेज सकते हैं। मैंने जो है ये ट्रिक अकाउंट नंबर में दिखाया कि अकाउंट नंबर में IFSC कोड डालकर कैसे भेजता है, ठीक है, UPI ID में नहीं दिखाया। अगर UPI ID में देखना है तो कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जल्दी आप बहुत ही आसानी जो है आसानी से 10 रुपया चला गया। आप इसी तरह से कितना भी पैसा यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ना ही कोई ऐप में जाना पड़ेगा, ना ही आपको ऑनलाइन में जाना पड़ेगा, ना ही किसी दिक्कत होगा, ना ही किसी ऐप लेना पड़ेगा। सिंपली आपको फोन डायलर से जहाँ से आप फोन करते हैं वही डायलर से आपको सिर्फ *99# डाल के आपको जो है काम करना है। लेकिन ध्यान रहे वही जिस नंबर से आप डायल करेंगे वही नंबर आपका वही बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैसेज आता है वगैरह आता है, नंबर देता है, वो नंबर फोन नंबर जो है आपका वही बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए, तभी जो है ये होगा। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजने में मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।